आ गई है आइसक्रीम और अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। हम सब रेडी शेडी होके जा रहे हैं अभी बाहर वीकेंड अपना इंजॉय करने, और वीकेंड इंजॉय करने कहाँ जा रहे हैं डिसाइड किया है कि पार्क जाते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड पे ही निकल रहे हैं। बच्चों ने जिस पार्क का बोला वहीं जा रहे हैं, और पार्क की जो लोकेशन है वो व्लॉग के लिंक में आप सबको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो व्लॉग की राइट साइड पे जो थ्री डॉट होते हैं आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे लोकेशन हर चीज आप सबको, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक हर चीज आप सबको वहीं मिलेगी। तो मिलते हैं कुछ देर में। ऐसा हो रहा है कि इंतहा की गर्मी वाला मौसम, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते। बच्चे जिद करते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो बच्चों को निकालना पड़ता है, जबकि अभी जो है ना 4:30 का टाइम हो रहा है, फिर भी गर्मी जो है ना हीट वाली है। और ये अदिल साहब बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम, चले पानी ले आए। चिज्जियाँ आ गई, बच्चों की चिज्जियाँ। चाहे आशा शॉपिंग करके लाई है, वाह वेरी गुड। अच्छा जी, हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आ जाओ। तब हम जब आए थे तब भी गर्मी थी और अभी भी गर्मी है। 5 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे फुल एनर्जी में हैं माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ जो है ना इन्होंने पहले भी एडवेंचर किया था, पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पे। इसकी लोकेशन पहले व्लॉग में है, लेकिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत पार्क है। अच्छा जी, पार्क तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे वो चीज़ तो बंद पड़ी हुई है, और मुझे शक भी हो रहा था कि कहीं बंद ही ना हो। ये नहीं आदि, जब हम पहले आए थे तब भी गर्मी थी, नहीं इतनी ही थी तब भी। मैं यहाँ लास्ट टाइम सुंदर भाभी के साथ आई थी और मुझे यहाँ आती उनकी याद आ गई। अभी तो वो पाकिस्तान गई हुई हैं, व्लॉगिंग भी उन्होंने कुछ अरसे के लिए छोड़ी हुई है। तो ये देखिए, वैसे जगह बहुत प्यारी है और बच्चों को बहुत यहाँ जो है ना मज़ा आया था, तो इस वजह से आए हैं यहाँ पे, लेकिन बंद पड़ा हुआ है, बैड लक, क्या करें। यहाँ पे माशाल्लाह इस टाइम हम ही नहीं सिर्फ निकले हुए, यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज बैठी भी हुई हैं। माशाल्लाह पिकनिक हो रही है यहाँ पे सही की। मोहम्मद कह रहे दोबारे, हाँ मोहम्मद कह रहे हैं दोबारे। इनको इनको दिखा देते ना कि क्लोज है वो, बंद है। ये गाड़ी में जाके कहेगा पापा हम क्यों नहीं गए। मोहम्मद क्या हो, क्लोज है? क्लोज है वो, बंद है। मोहम्मद मोहम्मद बड़े खुशी खुशी आए थे। ये स्ट्रीट ही इतनी प्यारी लग रही है, इसी को इंजॉय करो। खड़े होके ये डिसाइड हो रहा है कि अब कहाँ जाना है, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इनका कहाँ दिल है। तो हम जो है ना गाड़ी में बैठे हैं और अदील साहब को भेजा है कि फिस ले आए, बीच ले आए, थोड़ा सा मुंह चले और हम जो है ना फ्रेश रहें, क्योंकि नींद सी आ रही है। और अभी जो नेक्स्ट लोकेशन जो हमने चूज़ की है वो है सलाम पार्क। सलाम पार्क मैं बहुत पहले की गई हुई हूँ, बच्चे तब छोटे छोटे थे और बच्चों ने नहीं देखा हुआ सलाम पार्क, तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की देखेंगे कि आप सलाम पार्क में क्या क्या चेंज हो चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि सलाम पार्क चेंज हो गया है। तो जाके देखते हैं और आप सबको भी इंजॉय कराते हैं। ये आ गया है कहवा साथ में, ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएंगे। सही, ये अच्छा किया आपने, ब्लैक कॉफ़ी की तलब भी हो रही थी, क्योंकि आजकल मैं जो है ना ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह उठ के पी रही हूँ, तो चलें इस टाइम पे पी लेंगे। और हमारा जो है ना ये बाजा भी आ चुका है
और आप मेरे ये बाजू पे निशान देख रहे होंगे, ये बच्चों के 2 दिन पहले जो पराठे बनाते हुए ये मेरा जो है ना बाजू जला है। पराठे मैंने बना रही थी इनके लिए, तो जैसे ही पराठा डाला तवे पे थोड़ा सा ऑयल था, जैसे ही पराठा डाला वो ऑयल आया मेरे इस हाथ। पराठा मैंने इस हाथ से डाला, इस हाथ में मैंने ऐसे ही चिमटा पकड़ा हुआ था, तो जैसे ही पराठा डाला तो ऑयल मेरे आ गया इस बाजू पे। सही मेरा जो है ना बाजू जला है। और अदील साहब के साथ भी ये चीज़ हो गई है, ये देखिए जी। अब आप सब मुझे ये बोलेंगे कमेंट्स में, नाजिया जी नज़र उतारे। नज़र तो हम पढ़ते ही रहते हैं, दमशम करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चिप्स बना रहे थे बच्चों के लिए, तो इनसे मिस्टेक ये हुई है, जबकि ये बनाते रहते हैं माशाल्लाह, और उसमें डीप फ्रायर में बनाते ही यही है, मैं तो उसको हाथ इतना लगाती भी नहीं हूँ। ऑयल था गरम और उसमें चिप्स भी डाल दिए थे, और चिप्सों को चेक करने के लिए इन्होंने जैसे ही डीप फ्रायर खोला, ये गलती आप भी मत कीजिएगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ बात, तो जैसे ही इन्होंने ढक्कन खोला और इन्होंने यूँ देखा, क्योंकि उसमें थी स्टीम और इनकी स्टीम जो है ना फ़ौरन आके यहाँ लगी है फेस पे, तो ये निशान इनको यहाँ पड़ गए। तो फ़ौरन मैंने इनको जो है ना नींबू क्रीम भी लगाई थी, और इनको मैंने खीरे का पानी भी लगाया, ठंडा था दही, वो मुल्तानी मिट्टी भी मैंने इनको, मेरा मास्क बना रखा था वो भी लगाया मैंने, तो ठंडक तो उस वक़्त तो हो गई, लेकिन निशान जैसे मेरा यहाँ बना इनका भी सेम यहाँ जो है ना गाल पे बन गया, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी मैंने इनको कहा है कि अलीका लें, अलीका की क्रीम लगाएं आप, उससे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्किन तो उतरेगी, क्योंकि मेरा भी ये मैंने जल्दी जल्दी आदिल को नहीं, आशा को मैंने फ़ौरन बोला टूथपेस्ट ले आओ बेटा, मैंने वो लगाई थी, तो उसके बाद छाला नहीं बन, पानी वाला छाला थोड़ा सा बना, ज़्यादा नहीं बना, जैसे ज़्यादा फूल जाता है वो नहीं था, थोड़ा सा था, और वो फट भी गया कल, तो ज़्यादा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फेस वगैरह पे या कहीं और नहीं आया। और साथ में मेरा अहमद साहब होते हैं, साथ में अहमद साहब भी रुके होते हैं, किचन में ही होते हैं, इस पे नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अदील साहब का फेस शुक्र है बच गया, आँख बच गई आपकी। मैंने कहा आप चिप्स वगैरह डाल के अंदर, आपने जैसे ढक्कन खोला आपने ऐसे देखा ही क्यों, वो स्टीम एकदम। बच्चों की आ गई है आइसक्रीम, और ये है ब्लूबेरी, ये आपकी ब्लूबेरी है, या मैकडोनल्ड में ब्लूबेरी भी आ रही है, मजे की है, खट्टी है, मजे की है, खट्टा फ्लेवर, चखाओ, मुझे भी ये चखाओ ना, मेरी हाफ कर दी, कौन सी खानी है, ये भी मजे की है, ये देखें भाई, इनको भी देखें, ब्लूबेरी अच्छी है। मोहम्मद को कौन सी मिली है, चखाओ उसको, आयशा को, शाबाश, इनको भी खानी है, लो भाई ला ला, मजे की है, आप ही तो चखो, सब चख लो चखने में सभी सबकी खत्म हो जाएगी जी। हम लोग सलाम पार्क पहुंच चुके हैं और मगरिब का टाइम हो रहा है। आयशा ने आयतल कुर्सी पढ़ ली है ना सबने, और मोहम्मद और अहमद पे, उस पे जैनब पे फूंकी है, अहमद पे मैंने फूंक दी है, अनप पे तो बहुत ज़रूरी है आयतुल कुर्सी फूंकना भाई, हैं हीरोइन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यानी गर्मी भी ख़त्म हो गई मगरिब के बाद फ़ौरन ही माशाल्लाह, हल्की हल्की हवा भी है, और व्यू आप देख सकते हैं पार्क का कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। मोहम्मद साहब और जैनब साहब बहुत खुश हैं क्योंकि ट्रेन आ रही है। चुक 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 चुक, ट्रेन फुल है, जगह नहीं है ट्रेन में,
वाओ हाँ। ये माशाल्लाह बैठने के लिए जगह भी है आराम से, जैसे कि हम तैयारी के साथ नहीं आए हैं और हम जो है ना यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। तो अच्छा है माशाल्लाह पार्क अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है बहुत। ये भी बच्चों के लिए मोरर भी है और रोरो कोस्टर में उल्टा भी होना है। ये इसका सी का भी है मोरर पे भी है और सी का भी है। आप लोग कहाँ चाहिए? और चाहिए रोलर कोस्टर। ओ भाई रात तो डरती हो। यहाँ अदील और मैं हम सोच रहे हैं कि हम हॉरर 3D देखेंगे, तो अदील सिर्फ मोहम्मद को लेके यहाँ बैठे हैं और बच्चे ले रहे हैं रोलर कोस्टर। रेडी आशा जी आशा कैसा लगा आपको? फ्रेंड वाले देख रहे हैं माई टर्न हो गई है और मम्मा की बारी अब। मम्मा कैसे लग रहा है? हॉरर देख रहे हैं हम लोग। मम्मा बहुत डर रही हैं। चलो ये हो रहा है स्टार्ट। मम्मा बहुत डर रही है। आशा और इनाया दोबारा से ले रही हैं। दोबारा बैठोगे आशा इनाया जैनब सी वाला कह रही है ना सी में जाना है हमने। चली गए पानी में हो समंदर में हो अब एक्सपीरियंस करो समंदर में क्या क्या है। समंदर प्यारा है। आप तो फिशेस पकड़ रही थी इतनी सारी आप फिशेस पकड़ रही थी हाथों से। आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे आप लोग बाकी रियल में हो। इनाया तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे शार्प को फिश टूट गई। मजा आया और एक बोट हम जा रहे थे मजा आया यानी एंजॉय किया। जी मम्मा अच्छा और दोबारा।
बोट चल रही है। यहाँ पे भी बैठने के लिए ये देखिए एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पिज्जा बन रहा है, अच्छी जगह बनाई हुई है इस तरफ। जिस जगह पे हम थे बैक साइड पे पार्क के, दुनिया पूरी इधर बैठी हुई है और हम पार्क की उस जगह पे थे जहाँ पब्लिक ही नहीं थी। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है शायद बोटिंग की वजह से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना इस पार्क का, मैं कहती हूँ हर कोना खूबसूरत है। ये देखिए क्या खूबसूरत लाइटिंग अंदर लगाई हुई है ट्री के अंदर। अच्छा जी, आज बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्यों बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बजे से निकले हुए और काफी इंजॉय करके अब घर को जा रहे हैं। हारा आई थी, हारा से कुछ सामान लेना था घर का, वो लिया और बस अभी घर को जा रहे हैं। इसी के साथ ही व्लॉग करेंगे यहीं खत्म। मुझे सलाम पर बहुत अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा? आप सब ने भी देखा हुआ होगा, जो रियाद के व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि वो वैसे ही बहुत प्यारा और खूबसूरत पार्क है। मैंने काफी अरसे बाद देखा और बहुत अच्छा लगा, है ना आदि? बहुत यानी कि हरियाली है कि बंदा अगर शूज उतार के वहां जाके थोड़ी सी वॉक करे, माइंड को दिल को आप फ्रेश कर सकते हैं, सुकून आता है। लेकिन मौसम ये नहीं था पार्क का, लेकिन बच्चों की डिमांड पे हम गए और एंजॉय किए और हम खुद भी फ्रेश हो गए। अच्छा एक और बात, प्राइस सलाम पार्क वो 6 रियाल है, जो ब्लू 2 ईयर्स है उनके लिए फ्री है, ठीक है। दूसरा ये है, जितने भी राइड्स की टिकट्स है वहाँ पे जो प्राइस है वो 11.50 है, जितनी भी कोई भी राइड्स हो एक्सेप्ट 3D और जो 3D VR जो होते हैं उसकी अलग टिकट्स के प्राइस, उसके 23 रियाल है। लेकिन हमें उन्होंने ट्रेन के भी 11.50 है। लेकिन जो 3D का जो हमने देखा उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया था और उन्होंने मोहम्मद साहब को फ्री कर दिया था क्योंकि हमने चैनल में उनका जो है ना थोड़ा बहुत शूट किया है, तो उन्होंने उस वजह से हमें डिस्काउंट दिया। अच्छा, और बाकी ये है कि आप साइकिल वाइकल नहीं लेके जा सकते अंदर, वो भी ममनू है। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो सुकून और खुशी जो है वो बिल्कुल फ्री है जो आप लोगों को वहाँ मिलेगी। और हमारा